हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस वन प्लस एन प्रो का जो नया पॉड था वन प्लस एन प्रो का, वो गाइस नया एक बीटा टू अपडेट आउट हो चुका गाइस। और बहुत लोग मुझे कहते भाई बीटा टू आउट हो चुका है, उसके ऊपर वीडियो बनाओ, रिव्यू की वीडियो बनाना। सो गाइस उसी का ऐसे टॉपिक है, कंटेंट है कि कैसे उसको इंस्टॉल करना। भाई सेम प्रोसीजर लेकिन हल्का सा प्रोसीजर यहाँ पे चेंज है, तो उसको बताने के लिए इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं सीधा रिव्यू की वीडियो बनाता। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक। तो गाइस जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एज ऑलवेज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना ही मत भूलना। सर सो गाइज प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कमेंट में गालियाँ मत देना जो आप हमेशा मुझे देते हो कि भाई ये कर दिया तुमने, ये कर दिया सही से तुम्हें नहीं आता। और गाइज आज वीडियो थोड़ी ज़्यादा हेल्दी, स्टेबलाइजेशन बिल्कुल जीरो की ट्राइपॉड लाना भूल गया और कहीं मैं बाहर हूँ और सॉरी गाइज, तो थोड़ा करना पड़ेगा दो दिन अगर सॉरी गाइज ये जो भी इस चीज़ के से गाइज सॉरी पूरी गाइस इनकन्वीनियंस है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे पता है गाइस वीडियो देखने बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा अगर वीडियो ऐसे हिल रही हो तो सॉरी। सो गाइस इस टाइम हाथ में पोको एफ एन और टी डब्ल्यू आर पी इंस्टॉल हो रखी है और पूरा प्रोसीजर लगा है। सबसे पहले गाइस क्या करना है, वाइप में जाना है, एडवांस वाइप, डेल्विक सिस्टम कैचे डेटा, कन्फर्म टू वाइप, कन्फर्म टू वाइप। एंड गाइस इट्स ऑप्शनल टू चूज इंटरनल स्टोरेज। सो आफ्टर दैट यू हैव टू डू अ फैक्ट्री सेट एंड गाइस नाउ यू हैव टू गो टू install and now we have to flash boot img and os img. So guys I will give you a link of oneplus 7 pro.zip file in mega guys, so you have to extract that file and you have to copy os img and boot img in your poco f1 device in twrp guys via pc or anything. Okay guys, so guys ab sabse pehle yahan se kya karna hai ki sabse pehle humne thoda guys video hold raha sorry to thodi aapko problem aa rahi ho to bahut humble रिक्वेस्ट ही गाइस थोड़ा दो दिन के लिए कर लो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है गाइस, बूट में जाना है, बूट में नहीं नॉट बूट फर्स्ट वी हैव टू फ्लैश बेरिलियम वेंडर डॉट जिप कन्फर्म टू फ्लैश। और गाइस यहाँ पे वेट करना है हमने, वेंडर हमारा फ्लैश हो रहा है एजेंसी गाइस। और फ्रेंड्स आपने जिप फाइल गाइस मैं आपको दूंगा, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद नीचे आपको ओएस की आईएमजी ऑक्सीजन ओएस की और आपको बूट होगा, उन दोनों को आप कॉपी करना है और अपने पोको एफ एन के और इंटरनल स्टोरेज में उसको पेस्ट कर देना है। डेट्स वाई आई एम नॉट वाइपिंग द इंटरनल स्टोरेज। ओके गाइस, सो वो आप पे डिपेंड है, इट्स ऑप्शनल, आप उसको कर भी सकते हो, आप उसको नहीं कर सकते, सो इट्स ऑप्शनल। तो गाइस वेंडर यू कैन सी फ्रेंड्स, वेंडर हैज बीन ऑलमोस्ट सक्सेसफुली फ्लैश्ड। सो गाइस वेंडर फ्लैश हो चुका, नाउ वी हैव टू कम बैक एंड नाउ वी हैव टू फ्लैश ओएस आईएमजी एंड नो फर्स्ट वी हैव टू फ्लैश वेंडर पैश डॉट जिप confirm to flash. So as you can see vendor patch has been flashed successfully. Now we can flash os img and boot img. Back install image os img vendor image or sorry system image sorry guys confirm to flash. So friends you can see OS IMG has been flashed successfully, Oxygen sorry. Now we have to flash boot IMG, boot confirm to flash. So guys, कुछ भी problem हो रही है पूरी inconvenience के लिए guys, sorry. Or you can see that boot IMG has been flashed. Now we have to flash install zip. Now we have to flash wait a minute guys. Okay friends, now we have to flash first permissive version 4 and after that DFE, disable force encryption. Because vendor patch has been flashed, Beryllium vendor has been flashed, OS flashed, boot flashed. Now we have to flash permissive version 4, confirm to flash guys. Now we have to wait a minute. So friends you can see now we have to flash DFE, disable force encryption, confirm to flash. And it's all done guys. Now you can do reboot to system, but in my opinion you can do reboot to recovery guys. I will do boot order. So guys after rebooting to recovery now you can see we are booting in TWRP guys. So guys सब कुछ जहाँ पर आपको flash हो चुका है मैंने आपको पूरा explain कर दिया कैसे आपको zip file extract करके OS और आपका boot copy करना है, पूरा guys आपको मैंने बता दिया। Now you can do reboot to system. Not install, wait a minute and it will boot guys. OS logo will come. So friends you can see OS OxygenOS logo has been come. Now approximately from here it will take around 5 minutes to boot and not 5 minutes. The ROM has been booted guys. It's very fast.
क्लोज ऐप। सो गाइस रूम आपके फ्रेंड्स बूट हो चुके हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम आती है बीच में, आपका सेटिंग का प्रॉब्लम आ रही है और क्योंकि जो डेटा हमारा गाइस डिक्रिप्ट होने की वजह से इनक्रिप्ट होने की वजह से गाइस थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ जाती है। अगर आप फ्रेंड्स क्या करना है, यू हैव टू गो टू अगेन इन TWRP एंड डू अ फैक्ट्री सेट एंड देन रिबूट टू सिस्टम, ऑल प्रॉब्लम विल बी ओके गाइस। उसके बाद सब कुछ ही हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हो रोम आपकी बूट हो चुकी है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। ये प्ले स्टोर की अगर सब पता है आपको गूगल सर्विस APK डाउनलोड करना है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर जो एंड्रॉइड अपडेट्स वाला है इसको अपने वाईफाई से हटा देना, ये जो फिनिशिंग सिस्टम बेटा है ये अपने आप हट जाएगा, इसकी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गाइस इन माई ओपिनियन अभी भी मुझे Beta 1 इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज लगता है गाइस, इन माई ओपिनियन फ्रेंड्स। वो सब बात की बात है गाइस। और सो गाइस ये आपका भी यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन है, उसका वर्जन नहीं है, बस डिवाइस नेम 1+7 Pro। ऊपर आपका आता है CPU नन है, स्टोरेज 6GB RAM 64GB ROM। ये कुछ भी आपका ऑप्शन है उसके, यहाँ पे जो वर्जन है अननोन इधर लिखी आती है। एंड्रॉयड वर्जन 9 आपका यहाँ पे लिखा है, कर्नल 4.9, अप्रैल 1 का सिक्योरिटी पैच है और यहाँ पे सब कुछ जो लिखा हुआ है। बिल्ड नंबर आपका Beta 2 इधर आपको दिख जाता है जो भी। और वैसे गाइस अभी भी जो स्टेटस का टेस्टिंग में है तो अभी इसको ज़्यादा नहीं कह सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि भाई डेवलपर सही नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा। डेवलपर अपनी जगह सही है गाइस। जब अगले ने साफ बोल रहे हैं कि जो मोड है टेस्टिंग का जो स्टेटस है वो भी टेस्टिंग में है, जो रोम का स्टेटस है वो भी टेस्टिंग में, तो हम ज़्यादा इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। हाँ ठीक ठाक है, जैसे आप गूगल पे सर्विस की कोई प्रॉब्लम आ रही है वो अपने आप यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। हमने एक गूगल पे एक पैकेज इंस्टॉलर या गूगल पे सर्विस डाउनलोड करना है, ये ओके हो जाएगा, इसकी गाइस इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना गाइस। डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल फाइल्स वेंडर एंड ऑफ OS.zip ऑफ परमेश्वर ऑफ DFE, all link will be in the description guys and including Telegram also. Okay guys, bye. Jai Hind, Vande Mataram.